देख रहे हैं रितम और मैं हूँ आपके साथ सौम्या श्री। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से ही चल रहा है। कई ज्वलनशील मुद्दों पर चर्चा होनी है, कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित किए जाने हैं, लेकिन सत्र के पहले दिन से ही संसद में विपक्ष का हंगामा जारी है, जिसकी वजह से लगातार कार्रवाई स्थगित हो रही है, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, संसद की कार्रवाई में जनता द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे खर्च होते हैं और सदन की कार्रवाई में एक एक मिनट के लाखों रुपए लगते हैं। यानी जो विपक्ष सदन में ये कहता है कि वो जनता के हित की बात सदन में उठाता है, वही विपक्ष कार्रवाई के दौरान शोरगुल मचाकर या सदन से वॉकआउट कर सदन की कार्रवाई को बाधित करने की कोशिश करता है, जिससे एक एक मिनट के 2.5 लाख से अधिक रुपए खर्च हो रही है, यानी एक घंटे में 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। संसद की कार्रवाई के लिए 7 घंटे का समय तय है, जिसमें से 1 घंटा लंच के लिए दिया जाता है, तो ऐसे में बचता है 6 घंटा, जिसमें जनता के लिए कल्याणकारी नीतियों पर चर्चा होती है, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है। 4 दिन में सदन की कार्यवाही सिर्फ 40 मिनट चली, यानी आंकड़ा लगाएं तो 24 घंटे कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन चली सिर्फ 40 मिनट, जिससे लगभग 36 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, जो बहुत ही बड़ा नुकसान है। सीधे तौर पर कहें तो ये जनता और उसके पैसों के साथ खिलवाड़ है, और ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार है जब सदन में हंगामा हुआ हो। इसी तरह हर वर्ष होता आ रहा है, जब विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई पर बुरा असर पड़ता है। हर साल संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र जो फरवरी से लेकर मई तक चलता है, मानसून सत्र जो जुलाई से अगस्त सितंबर तक चलता है, और शीतकालीन सत्र जिसकी कार्रवाई नवंबर से दिसंबर तक चलती है। हर बार विपक्ष किसी मुद्दे पर शांति पूर्वक चर्चा करने के बजाय हंगामा करता है या फिर सदन से वॉकआउट कर जाता है। इस दौरान कभी मुद्दा अडानी का होता है, तो कभी वक्फ का, तो कभी किसान आंदोलन का होता है, जिसे लेकर शांतिपूर्ण चर्चा करने के बजाय विपक्ष द्वारा हो हल्ला किया जाता है। पिछले वर्ष भी संसद में जम्मू कश्मीर संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा सदन में हंगामा हुआ था। इस विषय पर शांतिपूर्ण चर्चा करने के बजाय सदन की गरिमा को छिन्न भिन्न किया गया था। उस समय 141 सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया गया था, और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था कि सदन में इतने सांसदों को एक साथ निलंबित किया गया। वर्ष 2022 में भी शीतकालीन सत्र में विपक्षी सांसदों का पारा हाई था। उस समय अग्निवीर योजना, महंगाई और जीएसटी दरों में बढ़ोतरी को लेकर हंगामा किया गया था। तो वहीं वर्ष 2021 में संसद का मानसून सेशन विपक्ष के हंगामे की वजह से 5 साल में संसद का सबसे कम प्रोडक्टिव सेशन रहा था, और इसी तरह जनता के लाखों करोड़ों रुपए संसद में हंगामे की भेंट चढ़ जाते हैं। ऐसे में यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सदन में अधिक से अधिक ध्यान जनता के हित पर होना चाहिए, ना कि दलों की आपस की राजनीति पर। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी और इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।